आगरा के अतमादौला क्षेत्र में होली पर दलित युवक की हत्या होने पर क्षेत्र में एक बार फिर माहौल गरमाया। पीड़ित परिजनों के बीच दलित समाज के हितैषी अभिषेक जाटव ने पहुंचकर न्याय की हुंकार भरी। अपने समाज के नेता को देखकर भारी संख्या में भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। पुलिस प्रशासन ने तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था, जिससे कानून व्यवस्था एक्यूरेट रही। अभिषेक जाटव ने खुले मंच से समाज के लोगों को निडर होकर न्याय मांगने के लिए जागरूक किया। वहीं ये भी कहा कि अगर पुलिस प्रशासन 48 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं सरकारी नौकरी सहित सभी दोषियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा दलित समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दलित समाज के ऊपर किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपना परिचय दे दीजिए, बताइए आज क्या है मामला। हमारा नाम अभिषेक जाटव है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। दरअसल यहाँ एक घटना की जानकारी मिली, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर पीड़ित पक्ष के लोगों ने हमारा नाम लेकर वीडियो वायरल किया था कि अभिषेक भैया यहाँ इस तरह की घटना हुई। यहाँ आके घटना की जानकारी मिली है कि एक लड़का अपने घर से बाहर जाता है और थोड़ी देर में परिवार को पता लगता है कि कहीं लड़ाई हो रही है आगे यहाँ आसपास, और उसके बाद में पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, जो भी होता है। उसके सर में ईंट पत्थर मारे जाते हैं, इसकी पिटाई थी बुरी तरह की जाती है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। आज़ाद भारत में इस तरह का कृत्य की अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। यहाँ बीते 7 महीने पहले भी व्यक्ति को चाकू से घोट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो हम पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने हमें दर्द बताया, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक अलग तरह का माहौल है, कुछ लोग समाज के लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो मेरा सरकार के प्रशासन के तमाम लोगों से निवेदन है कि एरिया के अंदर एक इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर आपका कारोबार लगाया जाता है उस क्षेत्र के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद आ रहे हैं, इसलिए काम कीजिए। लोगों के अंदर जो डर का माहौल है उस डर के माहौल को खत्म कीजिए। हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि भाई जितने भी अपराधी हैं सब लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जितने लोग पुलिस से अभी भी वंचित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, टीमें लगाई जाए। क्योंकि अगर कोई SPDM कलेक्टर का बेटा होता, कोई बड़े अधिकारी का बेटा होता, कोई किसी नेता का बेटा होता तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, पुलिस अपने मुंह से कहती है। पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दिया हमने? पीड़ित परिवार को हमने आश्वासन दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी तमाम मांगे जिनमें मुख्य 50 लाख का आर्थिक मुआवजा, परिवार को एक नौकरी जिसमें वो 22 साल का नौजवान था, उसको पालने पोसने में कितनी दुख मुसीबत तकलीफ उसके परिवार ने उठाई होगी, वो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जितने लोग इस घटना में शामिल हैं जिन्होंने भी ऐसा इतना बड़ा अपराध किया, उन तमाम लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पिछली बार जैसे कि आप बता रहे हैं साथ वहाँ पहले दलित समाज के व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, उसमें आला अधिकारियों ने भी कुछ राहत पास पैसा देने की कही थी, वो अभी तक उस पार्टी को मिल नहीं पाया, क्या समझते हैं आप इस बार मिलेगा? ये है कि हमें उस घटना की जानकारी मिल नहीं पाई थी कि पहले क्या हुआ। अभी हमने उस घटना का जायजा लेते हुए भी 2 दिन के अंदर इस घटना के साथ साथ उस घटना को भी इंक्लूड किया है। जब हम 2 दिन बाद अगर यहाँ नहीं होता, जब हम आएंगे तो उस घटना को मजबूती से उठाएंगे। जो लोग रह गए हैं फरार हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं शासन से? मैंने तो ये कहा 2 दिन के अंदर गिरफ्तार होने चाहिए, और गिरफ्तार होने के बाद सजा सिर्फ एक बनती है, वो है फांसी। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? 2 दिन बाद हम आएंगे और आप सबको पता लग जाएगा कि हम क्या करें। ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।